जिंदाबाद आलिया ने पीर महल जिंदाबाद। थोड़ा सा गाड़ी आगे जाने दे, थोड़ा सा गाड़ी आगे जाने। आई 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 छाई छाई आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने दे जी गाड़ी को, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह वाले चौक की तरफ जाने दे जी गाड़ी को आहिस्ता। ये तरीके इंसाफ का सलामी है जिसने पड़ो पड़ो के छक्के छुड़ा लिए हैं। जो कहते थे घरों से नहीं निकल सकते, आगे देख ले निकल आए हैं टीम। सीन पेश करता हूँ, जो ये कहते थे कि अल्लाह वाले चौक में कोई नहीं निकलता, वो आके देख ले कि अल्लाह वाला चौक में सारा पीर महल निकल चुका है। मियां शेर ऑन कर ले, अपने कैमरे ऑन कर ले। आज पीर महल वालों ने, तहसील पीर महल ने, संदीलिया वाली ने, कमालिया ने फौज के पुत्र तोड़ दिए हैं। ये देख ले आके कि अल्लाह ताला की जात की रहमत हो गई। कैदी नंबर 804 आज ना सिर्फ तहसील पीर महल में बल्कि ये ना शोर बंद करें, शोर बंद करें। Yeah.
पाकिस्तान खान साहब और इमरान खान की गूंज है, ये देख लें। पूरे पाकिस्तान में आज खान साहब की जीत हो गई है। मैं उनको जो ये कहते थे कि कोई नहीं निकलेगा, उनको ये पैगाम देता हूँ कि आगे ले जाए, आगे ले जाए। आप भी रजाक भाई आगे ले जाए गाड़ी, रजाक भाई गाड़ी गाड़ी थोड़ी सी आगे कर ले। चले ठीक है यार, अपना खामोशी इख्तियार करें। मुख्तसर बात करनी है, आज आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। आज आजाद जीत गए हैं और गुलाम हार गए हैं। आजादी जीत गई, गुलामी हार गई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिस तरह ये मेरे पीर वाले वालों ने जिस तरह वोट दिए। हेलो चला चला जी, बात सब गाड़ी थोड़ी सी आगे करें, रास्ता क्लियर करा। मुबारकबाद पेश करता हूं। आप जानते हैं इस इलेक्शन में सारे वो लोग जिन्होंने 5 साल हुकूमत में मजे लूटे वो भी लौटे हुए, छोटा होता है उससे छोटा होता है, लौटा लेकिन लौटा ही होता है। मेरे पीरमल के भाइयों और मेरे बेटों, पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी इस इंतखाबी नतीजे में, ये जो रोज टीवी पे आ रहे हैं कि आजाद जीते, ये आजाद नहीं जीते, ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाई। और आप जानते ही हैं कि बल्ले का निशान हमसे चंद रोज पहले चोरी कर लिया गया था, रात की तारीकी में शब खून मारा गया था, फिर हमें रंग बिरंगे निशान अलाट किए गए। मेरे निशान से मिलता जुलता पीरमल और कमालिया में भी मेरे तुसी दिया गया गुमनाम उम्मीदवारों को, जो आज मैंने रिकॉर्ड चेक किया, आज मैंने रिकॉर्ड चेक किया, 11,000 वोट मेरा अलग कैंसिल किया गया और 10,000 वोट कमालिया और पीरमल में मेयर कुर्सी के सूबाई लेवल के उम्मीदवारों को पड़ा। 21,000 एक साजिश थी, अवाम का मैंडेट चोरी करने की प्लानिंग थी। कौन कौन इसमें शामिल है अवाम जानती है, वो कौन लोग शामिल है, ऐसे निशान दिए गए। कौमी असम्बली की पर्ची में मेज भी है, कुर्सी भी है, मेरा मेज कुर्सी है। सूबे में भी मेज भी है, कुर्सी भी है, और सूबे में कमालिया पीरमल दोनों जगह मेज कुर्सी भी है। ये इतने 6-7 सुराग थे
ताकि वोट जाया हो, और इन सुराखों से 21,000 वोट जाया हुए ऑन रिकॉर्ड। 10,000 पड़े कमालिया पीरबल में मेज कुर्सी को सुबाई लेवल पे, जो मेरा वोट था, और जिनको आपने नहीं जानते वो कौन थे, कोई पोस्टर नहीं आया ना, वो कंपेन वो डमी कैंडिडेट थे, और 11,000 बकायदा रिजेक्ट हुआ, 21,000 वोट कैंसिल करके भी 34,000 की लीड से रियाज पकड़ा। वरना ये 34,000 नहीं, ये 51,000 की लीड थी, और 1,30,000 वोट पोस्टल बैलेट डाल के एक विस्टा डोल जो 1,30,000 वोट आपका है। एक उम्मीदवार जो बड़ा जिसकी बात ऊपर हो गई थी उसका सिर्फ 95,000 वोट है, जो जन्नत के टिकट बांच रहा था लाहौर के जलसे के लिए जन्नत का टिकट बांट रहा था, फिर माल के अवाम ने और कमालिया के अवाम ने उसको दो सके बहुत खुशी कमरे में भिजवा दिया। और एक और उम्मीदवार था जो बड़ा बड़े माशाल्लाह बड़े जागीरदार हैं, बहुत बड़े नवाब हैं, सिर्फ 16,000 वोट ले सका चुकी से। तीसरा उम्मीदवार एक मजहबी जमात का था, उसका 14,000 वोट आया, और जो पांचवा उम्मीदवार आपके हलके से भागा फेरा था उसका सिर्फ 12,000 और नीचे से फर्स्ट आया वो। आपका 1,30,000, नून लीग का 96,000, वो नवाब साहब का 16,000, जमात का वो वोट एक मजहबी जमात का 14,000, और पीर मल का जो शहजादा था यहाँ से वो सिर्फ 12,000। तो ये बहुत सारे लोगों के इलेक्शन बढ़ गए। तो ये साबित होता है, और ये आप रिजल्ट देखें टीवी पर, तकरीबन 150 हल्कों में हम जीते हैं, कांची से काट 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 के 99 हल्के पर कर दिए हुए, और इसमें अदालतों में लोग जा रहे हैं। इस वक्त भी आप उनकी बात मान भी लें तो 99 हल्कों में भी सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तरीके से ये बात साबित हो गई। इंतखाब एक पैमाना होता है चेक करने का, साबित हुआ कि सबसे बड़ी आवाम में मकबूलियत इमरान खान की और पाकिस्तान तरीके साफ की है। चंद लम्हात हैं बाकी नमाज में, तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पीर मल के अवाम का, यहाँ की बहनों का, माओं का, बेटियों का, बेटों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, कि आपने डट के इलेक्शन लड़ा। हम तो सारे मफरूर थे, बड़ी मुश्किल से इलेक्शन के बाद आप चंद रोज पहले तो आए हैं, तो मेरे पास सिर्फ 16 रोज थे कंपेन के लिए, हमारे मुखाले पिछले 10 महीने से कंपेन कर रहे थे, पैनल जीता है, पूरा पैनल जीता है, सईदा सोनिया अली रजा शाह साहबा भी जीती है अक्सरियत के साथ, कमालिया से आशफा रियाज भी जीती है अक्सरियत के साथ, और पूरा पैनल एक बड़ी लीड के साथ जीता है। सारी रात हमें पहरा देना पड़ा कहीं रात की तरीके मारा रिजल्ट ही चोरी ना हो जाए। बहरहाल वक्त ने साबित किया कि आवाम क्या चाहते हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ थे, इमरान खान के साथ अगर भागना होता है तो बड़े टाइम थे भागने के। अब इंशाल्लाह अवाम के तमाद को ठेस नहीं पहुंचेगी, आपके समय भी जैसे आपने वफादारी निभाई है, आपका भाई रियाज पठाना भी वफादारी निभाएगा। तो इस मौके पर मैं तमाम लोगों का, आलियाने पीर मल का, शहर के दोस्तों का, देहात के दोस्तों का, शहीदा सोनिया अली रजा की टीम का भी
और अपनी सारी टीम का भी, मेरे साथ फॉरन सेशन साहब खड़े हैं, इनकी टीम का भी, हमारे शरीफ साहब है, मजीद साहब है, माशाल्लाह राणा सीफ साहब है, आबद चौधरी, शफकत सूरी, सारी टीम जो है, पूरी टीम, फजल, मोहम्मद हसैन, नवीद, रियाक साहब, ये जो ऊपर टीम पूरी खड़ी है, मैं किस किस का नाम लूँ, एक लंबी लिस्ट है, जन्ना साहब, हमारे माशाल्लाह असलम साहब, और वो मुमताज दौलताना साहब, पूरी पूरी टीम, मैं अब नाम जो नहीं लूंगा वो रूप लिया करूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि सारी टीम जितनी भी है, पूरी टीम, पूरे सियासी कारकुन, पीटीआई के वर्कर, यूथ के ख्वातीन, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आम आवाम का। और एक और बात बताऊं, ये बात सुनने वाली जो मैं करने वाला हूँ, हमारे कमर जमान चौधरी, हमारे मजीद साहब सारे, अच्छा मैं एक और बात करना चाहता हूँ, ये इलेक्शन जो है ये तबकाती इलेक्शन था, ये तबकाती इलेक्शन था, एक तरफ सरमायादार थे, जागीरदार थे, पीर थे, वडेरे थे, और सारे लोटे थे, दूसरी तरफ गरीब आवाम थी, मुतसर तबका था और नौजवान थे। ये भी मैं आपको बताऊं, ये आखिर आखिरी इलेक्शन नहीं है, ये 8 फरवरी का इलेक्शन तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और ये जो हमारे वोटर हैं, इनकी उम्र वाजे मेजोरिटी, हमारे साथ वो वोटर हैं पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ, हमारे साथ, इनकी उम्र 18 से 40 साल के दरमियान है, ये अगले, इन्होंने अगले 4 इलेक्शन भुगताने हैं, और जो हमारे मुखालफीन के वोटर सपोर्टर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सियासत से रिटायर होते जाएंगे। आखिर में एक बार मैं फिर आपका शुक्रिया, हमने पूरी अब जंग लड़नी है, आईन की बालादस्ती की, कानून की हाकमियत की, इंसानी हकूक की, महंगाई और जुल्म के निजाम के खात्मा की, साम्राज्य और इस्तेसाल के निजाम की, लूटमार और करप्शन के लुटेरों की, पाकिस्तान में लोटाइज्म की, पाकिस्तान में हर किस्म के दबाव की, हमने मुकाबला करना है यहाँ पे, और पाकिस्तान में हकीकी मानों में आजादी, हमने गुलामी की जंजीरें काटनी है जो हमारी टांगों में और हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, हमने इमरान खान को भी जेल से निकालना है। बेरोजगारी का खात्मा करना है, बीमारी का खात्मा करना है, हमने नौजवान को दृढ़ मुस्तकबिल देना है, हमने खुशहाली देनी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है, पाकिस्तान को प्यारे नबी की नमूसे सड़क पे स्टैंड करवाना है, पाकिस्तान इंशाल्लाह वो वक्त करीब आ रहा है जब हम मुकम्मल तमाम मुल्कों की गुलामी छोड़कर पाकिस्तान के साथ वफादारी का अहद करेंगे, और पाकिस्तान एक सुपर इकोनॉमिक ताकत बन उठेगी, और पाकिस्तान का नौजवान सीना तान कर कहेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं खुददार कौम का हूँ, मैं खुशहाल कौम का हूँ, और यहाँ पे इंसाफ का बोलबाला होगा, का निजाम और नाइंसाफियों का निजाम की बसात लपेटी जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बिलाखिर अवाम राज करेगी, अवाम की जमहूरियत होगी, अवाम की हाकमियत होगी, पाकिस्तान तरीके साफ, इमरान खान, पीर महल, पीर महल आपका आवाज रहे।